मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जॉय होता है, जो कि अमेरिका से चाइना शिफ्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी मदर का ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रही होती है। तो वो चाइना पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं जॉय को, जो कि बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसके सभी दोस्त अमेरिका में थे और वो सब छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गए होते हैं। तो वो दोनों अपने कंपनी के दिए गए होटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जॉय एक नया दोस्त बना लेता है, तो वो उनका सामान अंदर पहुँचाने में मदद करता है। तो जॉय की मदर जॉय से प्लम्बर को बुलाने भेज देती है, तो वो एक ऑफिस में पहुँच जाता है जहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिस्टर हैंक होता है। तो जॉय उन्हें बताकर चला आता है। तो जॉय और लड़कों को देखकर पार्क में खेलने चला जाता है, जहाँ पर खेलते समय वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मिंग होता है। तो जॉय उससे बातें करने चला जाता है, जो कि एक गाना सुन रही होती है। तो जॉय मिंग को अपना गाना सुनाते हुए डांस करने लगता है। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम चैंग होता है। तो वो मिंग को परेशान करने लगता है, जिस पर जॉय उससे लड़ाई करने लगता है पर वो हार जाता है। तो सीन चेंज होता है, तो जॉय की मदर उसे अपने नए स्कूल छोड़ने आती है, जहाँ पर वो चैंग और उसके दोस्तों को देखकर छुप रहा होता है। तो वो अपने क्लास में चला जाता है। तो लंच ब्रेक हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉय को खाना लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो वहाँ पर मिंग आ जाती है, जिसे देख जॉय बहुत खुश होता है। तो वो जॉय की मदद करती है और वहाँ से चले जाती है। तो वहाँ पर चैंग आ जाता है और वो जॉय का खाना गिरा देता है। तो जॉय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो आगे हम देखते हैं मिस्टर हैंक को, जो कि जॉय के घर आते हैं पाइप ठीक करने। तो जॉय टीवी पर देखकर कुंफू सीख रहा होता है। तो तभी वहाँ जॉय की मदर आ जाती है। तो वो जॉय का जैकेट ज़मीन पर पड़ा देख उस पर चिल्लाती है। तो जॉय बड़े एटीट्यूड के साथ उसे उठाता है। तो मिस्टर हैंक उसे देख लेते हैं। तो वहीं जॉय स्कूल आ जाता है, तो उसे चैंग और उसके दोस्त दिखते हैं। तो वो उनसे छुपते हुए एक जगह पहुंच जाता है, जहां मिंग म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसके टीचर उस पर खुश नहीं होते। तो वो उदास हो जाती है। तो उसके टीचर और प्रैक्टिस करो बोलकर बाहर चले जाते हैं। तो जॉय वहाँ पर आ जाता है। तो मिंग जॉय को देखकर बहुत खुश होती है। तो मिंग जॉय को बताती है कि उसका अगले साल को म्यूज़िक कॉम्पिटिशन है, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस कर रही है। तो तभी वहाँ उसके टीचर आ जाते हैं। तो जॉय वहाँ से बाहर आ जाता है। तो उसे चैंग और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करके चले जाते हैं। तो अगले दिन जॉय और उसकी मदर बाज़ार जाते हैं, जहाँ पर जॉय एक कुंफू एकेडमी को देखता है और वहाँ चला जाता है। तो तभी हम मास्टर ली को देखते हैं, जहाँ पर जॉय चेंग को देखकर वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। तो जॉय की मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो जॉय बहुत उदास होकर बताता है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं, और वापस चलने को बोलता है। तो उसकी मदर उसे समझाती है। तो मिस्टर हैंग उनकी बातें सुन लेते हैं। तो अगली सुबह जॉय एक स्कूल ट्रिप पर आता है, पर वो बहुत दुखी होता है। तो मिंग उसे खुश कर देती है। तो वो सभी वापस आ जाते हैं, जहां पर जॉय चैंग से छुपते हुए जा रहा होता है कि तभी वो चैंग पर गंदा पानी फेंक देता है। तो फिर वो सभी जॉय का पीछा कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देख मिस्टर हैंग वहाँ आ जाते हैं। तो वो सभी से फाइट कर उन्हें हरा देते हैं। तो मिस्टर हैंग जॉय को अपने गैराज ले जाते हैं, जहाँ पर वो एंशियंट हीलिंग टेक्निक की मदद से उसे ठीक कर देते हैं। तो जॉय मिस्टर हैंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी कुंफू सिखा दो। तो मिस्टर हैंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुंफू सिर्फ अपनी और दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि किसी को मारने के लिए। तो जॉय मिस्टर हैंग से बोलता है कि तो आप मेरे साथ चलकर हमारा झगड़ा ख़त्म कर दो। तो वो दोनों उसी एकेडमी में आते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि मास्टर ली उनके स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि तुम्हें अपने दुश्मन पर कभी रहम नहीं दिखाना चाहिए, जिसे देख मिस्टर हैंग वहां से जा रहे होते हैं कि तभी चैंग मास्टर ली से बोलता है कि ये वही आदमी है जिसने हमें मारा था। तो तभी मास्टर ली उनको रोक कर फाइट करने को बोलते हैं, जिस पर मिस्टर हैंग बोलते हैं कि जॉय अभी रेडी नहीं है।
तो हम तुमसे कुंफू टूर्नामेंट में फ़ाइट करेंगे। जिस पर वो जॉय को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें रियल कुंफू सिखाऊंगा। तो अगली सुबह जॉय उनके घर आता है, जहां पर वो एक कार को उनके लिविंग रूम में देखता है और फिर वो अपनी जैकेट ज़मीन पर फेंक कर मिस्टर हैंक को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिस पर मिस्टर हैंक उसे अपनी जैकेट को उठाकर टांगने को बोलते हैं, फिर पहनने को बोलते हैं और फिर उतार कर टांगने को बोलते हैं और उसी प्रोसेस को बार बार करो बोलते हैं। तो वह हर रोज़ उससे वही करवाते। तो अगले दिन जॉय स्कूल में मिंग से मिलता है, जिस पर वो जॉय को एक फेस्टिवल में मिलने बुलाती है, तो वो मान जाता है। तो उसी शाम जॉय मिस्टर हैंक के घर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसकी मदर आ जाती है और फेस्टिवल में चलने को बोलती है। फिर वो एक एक्स्ट्रा टिकट भी लाती है और मिस्टर हैंक को उनके साथ आने की रिक्वेस्ट करती है। तो वो सभी फेस्टिवल में आ जाते हैं, जहां पर जॉय उनसे बाद में मिलूंगा बोलकर चला जाता है। तो जॉय वहां पर मिंग से मिलता है और मिंग उसे एक शैडो शो में ले जाती है, जहां पर उनका एक मोमेंट होता है। तो हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो अगली सुबह जॉय प्रैक्टिस के लिए आता है, तो मिस्टर हैंक उसे वही करने बोलते हैं। तो जॉय गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, जिस पर मिस्टर हैंक उसे वही सब करने को बोलते हैं पर बिना जैकेट के। तो जॉय समझ जाता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तो मिस्टर हैंक जॉय से बोलते हैं कि कुंफू हर जगह है पर उसका इस्तेमाल करना हम पर निर्भर करता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं जॉय और मिस्टर हैंक को, जो कि ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। तो वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस्टर हैंक जॉय से कहते हैं कि यहीं पर मैंने कुंफू सीखा था। इसके बाद वो एक माउंटेन चढ़ना शुरू करते हुए एक टेंपल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जॉय एक लेडी को देखता है जो कि एक सांप को कंट्रोल कर रही होती है। तो मिस्टर हैंक उसे एक ड्रैगन वेल की तरफ ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये जादुई पानी है और जिसे पीने से कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तो ट्रेन से फिर वो वापस घर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं जॉय उसी लेडी की तरह प्रैक्टिस करने लगता है। तो अगले दिन जॉय और मिस्टर हैंक प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो अगले दिन मिंग का ऑडिशन शुरू होता है, जिसमें वो एक बहुत खूबसूरत म्यूज़िक प्ले करती है, जिसे सुनकर जॉय तालियां बजाता है पर मिंग के पिता उससे दूर रहने को बोलते हैं। उसी शाम जॉय मिस्टर हैंक के घर आता है, तो वो देखता है कि मिस्टर हैंक दारू पीकर कार को तोड़ रहे होते हैं, जो कि बहुत दुखी होते हैं। तो जॉय एक न्यूज़पेपर देखता है, जिसमें एक लेडी और छोटे लड़के का फोटो होता है। तो वो मिस्टर हैंक से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मिस्टर हैंक बोलते हैं कि ये मेरी फैमिली है जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जिसे देख जॉय भी बहुत उदास होकर उन्हें समझाते हुए प्रैक्टिस करने को मना लेता है। तो वही हम देखते हैं कि जॉय बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करने लगता है, पर मिंग उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसके पापा ने जॉय से दूर रहने को बोला था, जिस पर वो और जी जान लगाकर प्रैक्टिस करता है। तो मिस्टर हैंक जॉय को टूर्नामेंट वाली जगह दिखाने लाते हैं, जहां पर वो जॉय को एक मार्शल आर्ट्स के कपड़े देते हैं, जिस पर जॉय मिस्टर हैंक से मिंग के पिता को मनाने को बोलता है। तो वो मिंग के घर पहुंच जाते हैं, पर मिस्टर हैंक जॉय को बोलने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर मिंग के पिता मान जाते हैं। और फिर आता है टूर्नामेंट का दिन, जहां पर बहुत लोग आए हुए होते हैं। तो जॉय की पहली फाइट शुरू होती है, जिसमें वो जीत जाता है। तो वही हम देखते हैं कि चैंग भी सभी से जीत रहा होता है। तो सेमीफाइनल मैच शुरू होता है, जिसमें पहला मैच चैंग और वू पिंग का होता है और दूसरा लियोंग और जॉय का होता है। तो पहला मैच शुरू होता है, जिसमें चैंग वू पिंग को बुरी तरह मारकर हरा देता है, तो जिसे देख जॉय थोड़ा घबराता है। तो दूसरा मैच शुरू होने वाला होता है, तो मास्टर ली लियोंग को बोलते हैं कि तुम्हें इस फाइट में जॉय को बस बुरी तरह घायल करना है, आगे का चैंग देख लेगा। तो फाइट शुरू होती है, जिसमें लियोंग जॉय का एक पैर पकड़कर उसे जोर जोर से मारने लगता है, जिससे जॉय के पैर की हड्डी टूट जाती है। तो लियोंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जॉय को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे आगे फाइट ना करने के लिए बोलता है, पर जॉय नहीं मानता। तो मिस्टर हैंक जॉय को एक कमरे में ले जाते हैं
और उस पर वही एंशियंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जॉय फाइट के लिए रेडी होता है, जिसे देख सभी लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो उनकी फाइट शुरू होती है तो चैंग उस पर भारी पड़ने लगता है, तो जॉय फिर खड़ा होता है, पर इस बार जॉय चैंग पर भारी पड़ने लगता है, जिसे देख मिस्टर ली चैंग को उसी चोट पर मारने को बोलते हैं, जहां हम देखते हैं कि मास्टर ली एक बुरा इंसान होता है। तो फाइट शुरू होती है तो चैंग जॉय की उसी चोट पर मारता है, तो जॉय दर्द से नीचे गिर जाता है पर किसी तरह उठ जाता है, और उसे देख मास्टर ली हैरान हो जाते हैं, तो सभी लोग भी उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो उनकी फाइट शुरू होती है तो हम देखते हैं जॉय को वही स्नेक टेक्निक यूज़ करते हुए, जिसका इस्तेमाल करके वो चैंग को हरा देता है, तो चैंग उसे सम्मान के साथ ट्रॉफी दे देता है। तो चैंग और उसके सभी दोस्त मिस्टर हैंग को अपना टीचर बना लेते हैं। तो इसी के साथ मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। तो इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है आत्मविश्वास। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में बताना मत भूलना, और एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और उस सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो टाटा, गुड बाय और टेक केयर।